गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके सेवन चैप्टर जो रीडर का सेवन चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेंगू बुखार। तो इस पाठ के माध्यम से हमें क्या क्या जो चीजें जानने को मिलेंगी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस पाठ को लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि हमें जो अपनी हेल्थ की, अपने सेहत की संभाल कैसे रखनी है, कैसे जो है अपने आसपास, अपने घरों में साफ सफाई रखनी है, अपनी खुद की साफ सफाई रखनी है, इसके प्रति दूसरों को जो नहीं जानते हैं लोग उनको क्या है जागरूक करना है, ये सारे जो उद्देश्य है वो इस पाठ के है। उसके बाद है कि इस पाठ के अंदर आपको किस किस चीज के बारे में जो है वो जानकारी दी जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि जो डेंगू बुखार है वो कितने प्रकार का होता है, ये बीमारी कितने प्रकार की है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, इस बीमारी के होने के क्या कारण हैं, उसके बाद इससे कैसे बचा जा सकता है और सारे जो है कितने प्रकार के जो आपको डेंगू बुखार है वो तीन तरह का है, उन सब के बारे में जो आपको जानकारी मिलेगी। तो हम अपना पाठ जो है वो शुरू करते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। शिरीष आज भी अनुपस्थित, अनुपस्थित होता है गैर हाजिर, गैर हाजिर है। गौतम ने कहा, गौतम कहता है अपनी क्लास के अंदर सभी बच्चे बैठे हैं, वो अपने टीचर से कहता है कि शिरीष जो है वो आज भी अनुपस्थित है, गैर हाजिर है, वह तो एक दिन भी क्लास मिस नहीं करता, गौरी बोली। तो गौरी जो है वो क्या कहती है कि जो शिरीष है वो तो जो है कभी भी क्लास में मिस नहीं करता, जरूर कोई खास बात होगी वरना शिरीष स्कूल न आए हुए तो वो ही नहीं सकता। उसके बाद है बच्चों में शिरीष की अनुपस्थिति को लेकर अभी चिंता देते हुए कक्षा अध्यापिका ने हाजिरी लेने के बाद बताया शिरीष अभी जो है 15-20 दिन तक जो है विद्यालय नहीं आएगा। तो अध्यापिका कहती है कि शिरीष जो है कि 15-20 दिनों के लिए अब तक जो है वो विद्यालय स्कूल के अंदर जो है नहीं आएगा। तो सभी बच्चों के मन में जो है वो हलचल हो जाती है कि वो क्यों नहीं आएगा स्कूल, 15-20 दिन ऐसा क्या हुआ मैम। तो वो अपनी अध्यापिका से सभी बच्चे पूछते हैं कि 15-20 दिन क्यों नहीं आएगा शिरीष स्कूल, ऐसा क्या हुआ है। तो मैं आगे से उसके अध्यापिका कहती है कि शिरीष को डेंगू बुखार हो गया है, कल ही उसके पिताजी प्रधानाध्यापिका को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देने आए थे। प्रधानाध्यापिका होता है कि हेडमास्टर जो है या प्रिंसिपल को जो है उसने छुट्टी के लिए जो उसके शिरीष के पेरेंट्स हैं वो आए थे और उन्होंने क्या है एप्लीकेशन दी है कि जो शिरीष है वो आगे आने वाले 15-20 दिन जो है वो स्कूल नहीं आएगा, उसे जो है डेंगू बुखार हो गया है। उन्होंने मुझे शिरीष के विषय में जानकारी भी दी, ये बात जो है वो उनकी अध्यापिका जो है वो बच्चों को बता रही है कि शिरीष के जो पेरेंट्स आए थे, उन पिताजी जो आए थे, उन्होंने मुझे बताया है ये जो सारी जानकारी है डेंगू बुखार के बारे में वो मुझे उन्होंने कल दी है। तो आगे से जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं मैडम से कि मैडम डेंगू बुखार क्या होता है, गौतम ने कहा। तो गौतम मैडम से पूछता है कि मैम ये डेंगू बुखार जो है वो क्या होता है। तो मैम कहती हैं आदित्य ने भी प्रश्न किया कि डेंगू क्यों होता है। उसके बाद उसके अध्यापिका बताती हैं कि बच्चों ठहरे हुए पानी में एडिस एजिप्टी के कारण से डेंगू बुखार हो जाता है, जब जो पानी जो है खड़ा रह जाता है किसी स्थान पर काफी दिनों के लिए तो उसके अंदर जो है एडिस एजिप्ट के कारण जो है वो डेंगू बुखार जो है वो हो जाता है। और एक मच्छर है जो दिन में काटता है, रात को जो मच्छर काटते हैं वो तो नॉर्मली है, अगर ये डेंगू बुखार उसको होता है जिसको जो है मच्छर दिन में काटता है, और जब मच्छर काटता है उसके बाद जो उसका असर है वो हमारे रक्त, हमारे खून के अंदर संक्रमित होता है, चला जाता है, और वो 5-6 दिनों तक हमारे रक्त के अंदर जो है संक्रमित जो है फैलता रहता है।
होने से 5-6 दिनों तक के भीतर शरीर पर अपना प्रभाव दिखाना आरंभ करता है कि यह जब मच्छर काटता है तो उसके 5-6 दिनों के बाद जो हमें इसके जो है लक्षण है वो दिखाई देने शुरू होते हैं, इसका प्रभाव जो है वो दिखना शुरू होता है। मुझे शीरीष की बहुत चिंता हो रही है, गौतम ने कहा। जब अध्यापिका ने उनको डेंगू बुखार के बारे में बताया कि डेंगू बुखार क्या है, कैसे होता है, तो गौतम कहता है कि मुझे जो है वो शीरीष की बहुत चिंता हो रही है। गौतम, शीरीष को साधारण डेंगू हुआ है, वह ठीक हो जाएगा। तो उसके अध्यापिका कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, शीरीष को जो है बहुत ही जो साधारण डेंगू है वो हुआ है। उसके बाद साधारण डेंगू, क्या डेंगू के भी कई प्रकार हैं? गौतम कहता है आगे मैडम अपनी अध्यापिका से कि क्या डेंगू के भी बहुत सारे प्रकार हैं? तो उसकी अध्यापिका बताती है कि हाँ गौतम, डेंगू के कई प्रकार होते हैं जिनमें साधारण डेंगू, हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम डेंगू, ये सारे जो तीन उनके जो है वो टाइप्स बताए हैं, पार्ट बताए हैं कि जो डेंगू है वो तीन तरह का होता है। एक तो साधारण डेंगू, हेमरेजिक दूसरा, और शॉक सिंड्रोम, ये तीन प्रकार के जो है वो डेंगू का इसमें हमें बताया गया है। उसके बाद कहते हैं कि मैडम, साधारण डेंगू, हेमरेजिक और शॉक सिंड्रोम में क्या अंतर है, शीरीष ने पूछा। तो शीरीष क्या पूछता है कि मैम, इन तीनों जो डेंगू आप बताया है, इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? तो शीरीष, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, इनमें पाए जाने वाले लक्षणों को देखकर इनके अंतर को जो है समझा जा सकता है। तो आगे से अध्यापिका कहती है कि है जो आपने प्रश्न पूछा शीरीष वो बहुत अच्छा है, और इनके जो लक्षण है उनको देखकर हम इनके अंतर को जो है वो समझ सकते हैं, अंतर का जो है वो पता लगा सकते हैं। उसके बाद है, मैडम साधारण डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, गौरी पूछती है। तो आगे से जो गौरी है वो क्वेश्चन करती है अपनी अध्यापिका से कि मैडम, साधारण डेंगू के क्या लक्षण है, कि क्या लक्षण होते हैं जब साधारण डेंगू होता है। तो उनकी अध्यापिका बताती हैं कि गौरी, साधारण डेंगू बुखार में अचानक जो है वो तेज बुखार होने लगता है, सिर के अंदर जो है वो दर्द शुरू हो जाता है, मांसपेशियों मतलब मसल्स के हैं या जोड़ों में जो है वो तेज दर्द होना और खिंचाव और दर्द होता है। कि सबसे पहले तो क्या है, तेज बुखार होता है, उसके बाद सिर में दर्द रहता है, उसके बाद मांसपेशियों और जोड़ों में जो है वो तेज खिंचाव या दर्द होता है, और मुंह का लार्वा प्रभावित होने से जो स्वाद है वो खत्म हो जाता है। कि मुंह के अंदर जो हमारा सलाइवा है उसका क्या है, जो स्वाद है वो खत्म हो जाता है। तो हम जो भी कुछ खाते हैं उसका हमें कोई भी टेस्ट नहीं पता चलता कि क्या मीठा है, नमकीन है, कैसा है। और ये जब साधारण डेंगू होता है तो उससे क्या है, हमें भूख भी नहीं लगती है। अगर स्वाद ही नहीं पता चल रहा तो भूख का कैसे पता चलेगा, भूख तुमने लगेगी नहीं। बिना किसी कारण पेट में असहनीय, असहनीय होता है जो सहन न हो, सहन होने लायक ना हो, ऐसा दर्द होता है। कि जब साधारण डेंगू होता है तो तेज बुखार होता है, सिर के अंदर दर्द रहता है, मांसपेशियों और जोड़ों में जो है वो तेज खिंचाव या दर्द होता है, और जो हमारे मुंह का स्वाद है वो भी प्रभावित हो जाता है, उसका जो स्वाद है वो खत्म हो जाता है, जो लावा है हमारे या स्लाइवा है उसका जो टेस्ट है वो कोई पता ही नहीं चलता कि नमकीन है, मीठा है, फीका है, कैसा टेस्ट है खाने का, इसके बारे में भी पता नहीं चलता, और जो है वो भूख भी नहीं लगती, और बिना किसी कारण से जो क्या है पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो है असहनीय, जो सहन न होने वाला जो है वो दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण है वो साधारण डेंगू के हैं। तो आगे से ऋषा घबरा गई और कहती है, इतना दर्द? हाँ ऋषा, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इस रोग में इतनी पीड़ा होती है जैसे रोगी की हड्डियां ही टूट गई हो। तो आगे से उसकी अध्यापिका कहती है कि हाँ ऋषा, डेंगू को जो है, ये डेंगू है उसको क्या है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बुखार के कारण क्या है कि जो हमारे शरीर की मांसपेशियां है या जोड़ है उनमें बहुत ही भयंकर जो है
वो दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इस बुखार को क्या है, हड्डी तोड़ बुखार का नाम भी दिया गया है। या आगे आपको प्रश्न भी आएगा कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग में इतनी पीड़ा होती है जैसे रोगी की क्या है, हड्डियां ही टूट गई हो। तो इसके अंदर क्या है कि इतनी ज्यादा हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो ऐसा लगता है कि जिसको बुखार हुआ है या जिसको डेंगू है उसकी तो जो सारी की सारी जो हड्डियां हैं वो टूट गई हो। आज के लिए इतना ही। आगे का जो चैप्टर है हमारा, आगे का पार्ट है, वो हम अगले हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।